भिकनगांव और कसरावत के भाजपा कार्यकर्ता और भिकनगांव भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कांग्रेसी विधायकों पर मनमानी करने और प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर भूमि पूजन का लोकार्पण करने का कार्यक्रम किया, जिसकी नाराजगी जाहिर करते हुए मंडल अध्यक्ष ने कहा, ना ही जनप्रतिनिधियों, जनपद, सांसद और अन्यों को सूचना किए बगैर विधायक सचिन यादव कसरावत, विधायक झूमा सोलंकी भिकनगांव ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। हम तो जो भी योजना हो, चाहे राज्य की हो या केंद्र सरकार की हो, हर आयोजन में बुलाते हैं, हर विभाग को सूचित करते हैं। वहीं अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी ने किया। इसमें दिनेश जायसवाल, सत्येंद्र चौहान, विजय पटेल, हरिकरण बहादुर वास्कले मौजूद थे। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज किस विषय को लेकर आपने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय? आज माननीय एसडीएम महोदय को हमारे भिकनगांव और कसरावत विधानसभा में विधायकों के द्वारा केंद्र सरकार की हो कि राज्य सरकार की योजनाएं हो, मनमाने ढंग से उनके द्वारा उन योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाता है। जैसे कल कसरावत विधानसभा में वहाँ के विधायक माननीय सचिन यादव जी के द्वारा लल्ली और पिपरी में माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल मिशन के अंतर्गत जो योजनाएँ चल रही है, पिपरी में 70% अभी कार्य हुआ है, पूर्ण कार्य भी नहीं हुआ। माननीय विधायक महोदय के द्वारा शिलालेख लाया गया और खुद के नाम, सांसद महोदय का नाम सेकंड नंबर पे लिखा गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम लिखा गया और उनके द्वारा पूरी योजना होने के बावजूद भी नहीं हुई, फिर भी उनके द्वारा लोकार्पण किया गया उस योजना। कांग्रेस का तो आरोप है कि ये संपूर्ण योजना जो की शुरुआत कमलनाथ सरकार के दौरान की गई थी, वही लाए और उनके उन्होंने भूमि पूजन किया, आज उन्होंने लोकार्पण जी किया। ये सरासर गलत है। ये कोई भी बता सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत महत्व नल जल मिशन के माध्यम से योजना है। माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक हर गाँव में, हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल पीने का पानी देना है। राजनेताओं का ये उद्देश्य होता है कि आम आदमी को लाभ मिले योजनाओं का, या मतलब ये क्या है, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है? वर्चस्व की लड़ाई नहीं है हमारा, ये है, ये 15 महीने सरकार में बैठे थे, ये योजनाएं लाते और उनका भूमि पूजन और लोकार्पण करते। आज केंद्र की सरकार और राज्य की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती है, उन योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण कांग्रेस के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनको हर कार्यक्रम में बुलाते हैं, लेकिन ये हमारे सांसद या हमारे जनपद के अध्यक्ष, प्रतिनिधि या उपाध्यक्ष को उन कार्यक्रमों में बुलाए। जनता की सुविधा और जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर जो जनता के लिए होती है, इस पर कांग्रेस और बीजेपी राजनीतिकरण क्यों कर रही है? भाजपा ने हमेशा आम जनता का हित देख के ही योजनाओं को लागू किया है और जनताओं को योजनाओं का लाभ मिले, वही योजनाएं धरातल पे लागू की जा रही है। आप शौचालय देख लो, प्रधानमंत्री आवास देख लो, राजनीतिकरण हो रहा है। मेरा सवाल राजनीतिकरण नहीं, नहीं, ये राजनीतिकरण कांग्रेस के विधायकों के द्वारा उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम इनके द्वारा किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।